नमस्कार दोस्तों, आप जो यह पौधा देख रहे हैं यह चक्रमयत का पौधा है। यह भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह पौधा बरसात के मौसम में हमारे घरों के बाहर या खेतों खलिहानों या हमारे कुओं की मेड़ पर उगाता है। दोस्तों, इसका हमारी पशु चिकित्सा में बहुत ही प्रयोग है, और लेकिन कमी इस बात की है कि जो पशुपालक होते हैं वह इसके महत्व को नहीं जानते हैं तथा इसकी जो प्रयोग करने की विधि है वह भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले इसकी पहचान करना बता दें। इसके पत्ते 5, 6 या 7 के गुच्छों में होते हैं और थोड़ी गोलाई लिए होते हैं, और इस पर लंबी लंबी फलियां आती हैं। जब यह फलियां पक जाएं तो इनमें मेथी के दानों जैसे बीज निकलते हैं और इसमें पीले कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग हमारे पशुओं के चर्म रोगों में किया जाता है। हम देखते हैं कि अधिकतर भैंसों की त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, या जब वो धूप में नहीं जाती हैं और घर के अंदर बनी रहती हैं तो उनकी त्वचा लाल लाल दिखने लगती है, और यदि पशु जल जाए तो उसमें भी यह प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रयोग करने की विधि यह है कि इस पौधे के पंचांग मतलब जड़, तना, फल, फूल तथा पत्ती, इन 5 ही को लगभग जब इनका 250 ग्राम वजन हो जाए इनको पीस लें, और जो दही रहती है दही भी ले सकते हैं और छाछ भी ले सकते हैं, और 250 ग्राम छाछ को दोनों को मिला के और किसी मिट्टी के बर्तन में रख दें, और 3-4 दिन बाद इसे निकाल के आप अपने पशु की त्वचा पर लगाएं, इससे उसको तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, इसका प्रयोग आपको 3-4 बार करना है, इससे आपके पशु की त्वचा में जो भी चर्म रोग हो वह ठीक हो जाएगा, और इसका कोई भी किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और यह बिल्कुल फ्री नुस्खा है। दोस्तों, हमारे खेतों या खलिहानों में जो खरपतवार उगाते हैं तथा जो हमारे पेड़ पौधे रहते हैं उनका कुछ ना कुछ औषधीय महत्व रहता है। हम अपने चैनल पर उनकी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।